आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर है, उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं। ठटरी के बरे देखो, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अभिमान वो जहर है, जिसको ये जहर लग गया उसका विनाश हो गया। बोलो जय सियाराम। रावण है, रावण को देख लो, रावण जैसा बलवान, दस दस खोपड़ी का मालक, अपने तो एक है उसके तो दस से। अच्छा, जिसके दस खोपड़ी हो उसे अभिमान क्यों ना हो। दस खोपड़ी का मालिक रावण अभिमान में इतना भर गया कि जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी बोले रावण, रावण बोला बोलो, हनुमान जी बोले तुम्हारी मौत नजदीक आ गई, रावण बोला हमारी नहीं तुम्हारी आई। रावण तो बहुत बलवान था, तो रावण ने मृत्यु को बुलाया, हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी बोले क्या है, रावण बोला मौत है मौत, जिसके बारे में तुम अभी कह रहे थे वही है। हनुमान जी की तरफ रावण देख कर बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले क्यों, रावण से हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही इसलिए हमें डर नहीं लग रहा है। बोले कहे क्या रही। हनुमान जी बोले हमसे कह रही कि प्रभु कम मिसला फिट करना है रावण का। देखो अभिमानी व्यक्ति कैसे बोलता है, अरे बोले पागलपन मत बनाओ, ये मौत हमारी सेवादारनी है, तुम जानते नहीं हम रावण हैं। भैया रावण की मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ने उखाड़ दिया। कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहाँ से करें, तो रावण ने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई सोई एक हाथ से अपनी मूंछ पकड़ी। अब एक मूंछ थोड़ी थी, दस सिर 20 हाथ, तो दसों सिरों में मूंछ, तो 20 हाथों से 10 हाथों से 10 तरफ की मूंछें पकड़ रहा रावण, लेकिन एक साइड खाली है। हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश यहीं से कर। हनुमान जी ने पूंछ ली और रावण की मूंछ में एक तरफ छुपा दी। रावण लगा बुझाने, जब तक एक बुझाई तब तक हनुमान जी ने दूसरे में छुपा दी। भाई एक सिर थोड़ी था, 10 सिर थे, तो पहले लेफ्ट वाले में, फिर बीच वाले में, फिर राइट वाले में, फिर लास्ट वाले में। रावण बुझाता ही बुझाता परेशान हो गया। हनुमान जी बोले कहो रावण कैसी लगी हमारी आग। रावण कहता है पकड़ लो बंदर को मारो। एक धीरे से कान में रावण से बोला तुम्हें लग नहीं रहा कि ज्यादा गलती हो गई, खतरनाक है बंदर। रावण बोले भले ही खतरनाक है बंदर, हम हैं 10 कंधर। और अभिमानियों का फिर यही हाल होता है कि जब पूरी लंका नाश हो गई तब रावण को समझ में आया कि भूल हो गई। मरते मरते भी वो मर गया, पर अभिमान नहीं छोड़ा। उसका परिणाम ये हो गया कि उसका समूल वंश नाश हो गया। इसलिए नेपाल के पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हमें अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।